हे गाइज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन, करंटली परसुइंग एमडी इन पैथोलॉजी। आज का टॉपिक है कशिंग डिजीज़, जिसे कशिंग सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये एक तरीके का क्या हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिसके क्या क्यों होता है, किस वजह से होता है। ये होता है कॉज बाय द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टिश्यू टू हाई लेवल ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। यानी एक तरीके का क्या हुआ, एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये किस वजह से होता है, जब हमारा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है हमारे बॉडी टिश्यूज का किस हार्मोन को, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ACTH के जरिए क्या होता है, केमिकल मैसेज भेजते हैं। केमिकल मैसेज जो होता है क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के पास आता है। एड्रिनल ग्लैंड के पास जब आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल निकलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, क्या होता है, केमिकल मैसेज आता है। कौन निकलवाता है ये मैसेज होता है, ACTH निकलता है। फिर ये जाके एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, फिर एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है कॉर्टिसोल। एक इट इज़ अ कंडीशन इन विच द प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल इज एलिवेटेड, कॉजिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। यानी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइन सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। किस कौन से साइन एंड सिम्टम, हाइपर कॉर्टिकोसोलिज्म, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, क्यों इस तरीके से, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से कशिंग डिजीज या कशिंग सिंड्रोम डेवलप हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, कोई एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, या फिर लंग्स के अंदर या कोई भी ऑर्गन बॉडी के अंदर जिसके अंदर बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोन मेडिकेशन का इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, या फिर ACTH है या कॉर्टिकोस्ट्रॉयड है उसका एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर प्राइमरी हाइपरप्लेजिया हो सकता है बोथ एड्रिनल ग्लैंड्स का हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए एड्रिनल एड्रोजन का, या फिर एक्सेस हो जाए एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड का एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कशिंग डिजीज़। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो होता है एटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे हमने सारे कॉजेज बात किए, इनमें से कोई भी कॉज होगा और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है जो कंट्रोल करता है एड्रिनोकॉर्टिकल फंक्शन को, वो क्या होता है, इनफेक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन का, और उसकी वजह से क्या होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो होता है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो होता है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कॉर्टिकोस्टोलिज्म होने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम को हमने कैटेगराइज कर लिया ताकि हमें जो होता है याद करने के लिए ईजी पड़े। क्या हमने क्या किया है, हमने पेशेंट के अंदर जो होता है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से अगर कशिंग सिंड्रोम डेवलप हुई है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा, उसके अंदर ओबीज होगा, ओबेसिटी होगी, हैवी ट्रंक होगी, और थिन एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी। ये पॉइंट अलग सा पॉइंट है, आपको याद रखना अच्छे से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रंक जो होगी हमें हैवी होगी, और एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी बहुत ज़्यादा थिन होगी। इसके अंदर क्या होता है, बफेलो हम्प देखने को मिलेगा नेक पे, यानी साइड ऑफ बैक साइड ऑफ नेक पे क्या देखने को मिलेगा, बफेलो हम्प देखने को। स्किन जैसे कि हमारी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, और फेस हमारा क्या होता है, राउंड शेप होगा, या मून फेस। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मून फेस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपका ये बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मून शेप फेस किसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, ओबेसिटी के अंदर देखने को मिला कशिंग सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से। उसके बाद बफेलो हैम्प भी आपको याद रखना है किसके अंदर देखने को मिलता है, कशिंग सिंड्रोम के अंदर मिलता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मसल वेस्टेड होती है उसके, मतलब उसके बाद क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ये आपसे कई बार पूछा देखा सुबह, ऑस्टियोपोरोसिस वाला सवाल भी आ चुका है। उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है इसके अंदर, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, यानी बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन होता रहता है। उसके बाद हमने बात की पेशेंट के अंदर जो होता है, जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से एक्सेसिव की वजह से क्या होम क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या क्लिनिकल पिक्चर देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, उसके अंदर वेट गेन होगा, एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम होगा, उसके अलावा एडिमा देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर ऑप्थेल्मिक फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, यानी आई से रिलेटेड क्या होगा, पेशेंट के अंदर कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। उसके बाद जो एक्सेसिव एंड्रोजन की वजह से कौन कौन से हार्मोन हमारे एक्सेसिव एंड्रोजन की वजह से जो होता है, कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेगा, अगर वुमेन है तो उसके अंदर देखने को मिलेगा हिर्सुटिज्म, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा, क्राइटोरिस का एनलार्जमेंट होगा, वॉइस मस्कुलिन हो जाएगी। यानी कि अगर आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट और क्राइटोरिस का एनलार्जमेंट होगा, और क्या होगा, वॉइस को मस्कुलेशन। मैन के अंदर क्या होता है, लिबिडो जो होता है कम हो जाती है। इसके अलावा जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर मिल सकते हैं, पैनकेटाइटिस हो सकती है, गैस्ट्रिटाइटिस हो सकती है, जुडिनाइटिस हो सकती है। ये सारे जो होता है GIT वाले सिम्टम है। इसके अलावा हमने बात की क्या है, पेशेंट के अंदर हमने बात की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं फीलिंग, कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, और कुछ इसके अलावा हमने बात की मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बढ़ने की वजह से, या एंड्रोजन की बढ़ने की वजह से, या फिर GIT वाले सिम्टम।
या फिर हमने बात की ऑम्थेलमिक फीचर्स की। इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ और फीचर्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। क्या देखने को मिलता है हमें, टैकीकार्डिया, ये आपको याद रखना है। फैटी लीवर देखने को मिलता है इसके अंदर। माइल्ड स्लोइंग होगा ईसीजी, थोड़ा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ईसीजी का जो वेव्स होंगे वो थोड़ा स्लो होंगे। पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सिंकोप हो सकता है पेशेंट के अंदर। मेमोरी या फिर कॉग्निटिव थोड़ी सी स्किल जो होती है डैमेज हो सकती है। सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होगा, ये हम पहले पढ़ सकते हैं, इनके अंदर क्या होता है इन्फेक्शन ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी पेशेंट के अंदर जो होता है हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे जो होता है पहली चीज़ हम पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में क्या करना है पेशेंट के अंदर, हम ये बात करेंगे उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहता या फिर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तो नहीं रहती। उसके अलावा क्या बात की हमें, क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता। ये सारे भी जितने जो हमने क्लिनिकल फीचर पढ़े, सिम्टम पढ़े, उससे रिलेटेड ही उसके अंदर हम उसके पेशेंट को हिस्ट्री लेंगे ताकि और इलेबोरेट कर सकें हम। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल स्ट्राया मिलते हैं इसके अंदर, पर्पल स्ट्राया जिन्हें बोला जाता है। सीटी स्कैन कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, रेडियो मिनो एसे ऑफ प्लाज्मा एसीटीएच कराएंगे इसके अंदर। कॉर्टिकोट्रोपिन होता है रिलीजिंग फैक्टर जो होता है इसके अंदर, स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। एक डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। ब्लड सैंपल देके उसके अंदर क्या होता है हार्मोनल प्रोफाइल चेक करेंगे इसके अंदर। उसके बाद क्या कराएंगे और सीबीसी कराएंगे। उसके बाद क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे एक्सरे के अंदर उसके अंदर। उसके अलावा क्या सकते हैं, इसनोफिल्स रेबिस के अंदर क्या मिलेंगे, जब हम ब्लड सैंपल सीबीसी कराएंगे तो इसनोफिल्स हमें देखेंगे रिड्यूस कम मिलेंगे इसके अंदर इसनोफिल्स। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ा हुआ आएगा इसके अंदर। मैनेज कैसे करेंगे इस तरीके के पेशेंट को, हम मैनेज को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं सर्जिकली। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे इसके अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे इसके अंदर, मीटोटेन इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, एक एजेंट होता है टॉक्सिक टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। उसके अलावा क्या होता है, मेट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेरॉइड हाइपर सिक्रीशन को। जिनके अंदर क्या होता है रेस्पॉन्ड नहीं आता मेट्रोटेन की वजह से, तो उनके अंदर क्या होता है मेट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है। अमाइनो जो होता है ग्लूटाथेमाइड इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ब्लॉकिंग कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, था कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन हो रहा है एबनॉर्मल उसको जो होता है ब्लॉक करने के लिए बहुत जल्दी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ईजी इफेक्टिव है ये। किस लिए, कौन सा हार्मोन क्या इस्तेमाल किया जाता है, अमाइनो ग्लूटाथेमाइड इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रोटीन एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जी किस लिए दिए जाते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए, मे बी गिवन टू फैसिलिटेट इट रिक्वायर्ड इसके अंदर, यानी प्रोटीन और पोटेशियम रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा हम सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं इसके अंदर, ट्रांसस्पिनाइटल एडिनेक्टमी की जा सकते हैं या फिर हाइपोवासेक्टमी की जा सकती है। इसमें क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्रंटल क्रेनियोटॉमी की जाती है। इसमें क्या होता है, जब की जाती है इट इज़ नेसेसरी व्हेन पिट्यूटरी ट्यूमर जो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है ट्रांसफ्रंटल क्रेनियोटॉमी की जाती है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, बायलेटरल एडिनेक्टोमी की सकते हैं। बायलेटरल एडिनेक्टोमी किसी के कहते हैं, हाइपरप्लेजिया जब हो जाएगा एडिनर का तो बायलेटरल क्या करें दोनों साइड के क्या होता है एडिनर को निकाल देंगे, एडिनेक्टोमी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या हो सकती है पेशेंट के अंदर, एडिनल कार्सिनोमा हो सकता है, एडिसोनियन क्राइसिस हो सकती है, फिर एसोसिएटेड क्या हो सकता है इसके अंदर क्या होता है एडिनो जो होता है कॉर्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। तो गाइस हमने इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कशिंग सिंड्रोम क्या होती है। कशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लंबे समय से जो होता है एक्सपोजर हो जाता है हमें बॉडी का, किसके लिए होता है बॉडी टिश्यू का हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, इसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर कशिंग सिंड्रोम या कशिंग डिजीज डेवलप हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है एसीटीएच निकलता है, जिससे क्या होता है केमिकल मैसेज प्रोड्यूस होता है जो जाकर एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पर, जिससे कॉर्टिसोल नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। कशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो होता है इसके अंदर प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल एलिवेट कर जाता है इसके अंदर जो होता है, और उसके अंदर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म वाले जो फीचर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। कॉजेज के अंदर हमने बात की कि कोई भी जो होता है बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो सकता है, लंग्स के अंदर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने कॉर्टिसोल वाली मेडिकेशन इस्तेमाल की होती है, या फिर उसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा एड्रिनल एड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर ग्लूकोर्टिकॉइड का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर ये सारे कॉजेज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कशिंग डिजीज़ के लिए। उसके बाद हमने बात की थी इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि कोई भी जो तो जो कॉज होगा उसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर क्या होता है कॉर्टिको एडिनोकॉर्टिकल फंक्शन जो होता है वो इनफेक्टिव हो जाता है, सही से जो होता काम नहीं करता, इसके अंदर कॉर्टिकल हार्मोन का एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म होता है। क्लिनिकल फीचर्स के इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने, अगर किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर ओबेस हो सकती है, वेट गेन होगा। उसके बाद क्या होगा बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैवी ट्रंक होगी, तब के एक्सट्रीमिटीज़ होंगी यानी हाथ पैर जो होंगे उसके बहुत ज़्यादा पतले पतले होंगे।
थिन होंगे। बफेलो हम देखने को मिलती है, आपको याद रखना, बफेलो हम किसके अंदर देखने को मिलती है, पीसीओएस। बफेलो हम किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें मिलती है कशिंग डिजीज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, राउंडेड फेस, मून फेस भी बोल जाता है। इसके अंदर मसल बहुत ज़्यादा वेस्टेड होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनके अंदर कशिंग सिंड्रोम होती है। उसके बाद जो होता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर क्या देखता है, अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ गए हैं, कॉर्टिको बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड बढ़ गए हैं, तो हाइपरटेंशन होगी, नेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा, वेट गेन होगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, एडिमा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना। उसके अलावा क्या होगा, एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ा हुआ तो फीमेल के अंदर क्या देखना, हिर्सुटिज्म देखने को, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा, क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट, वॉइस मस्कुलिन होगा, मेन के अंदर क्या होता है, लिबिडो कम होगा। जीआईटी के अंदर क्या होता है, सारे जीआईटी वाले सिम्टम देखने को, पेप्टिक अल्सर होंगे, पेनकेटाइटिस होगा, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस होगा। उसके अलावा क्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, आई से रिलेटेड कैटेरैक हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है इसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है, फैटी लीवर देखने को मिलता है इसके अंदर, क्या होता है, उसके अंदर सिनकोप हो सकता है। और क्या होता है, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कशिंग वालों के अंदर। उसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इसके अंदर क्या होता है, सीटी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, पेशेंट की सबसे पहले क्या होता है, हिस्ट्री लेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, पर्पल स्ट्राया, ठीक है, पर्पल स्ट्राया यानी एब्डोमेन पे जो होता है स्ट्राया देखने को मिलते हैं, ये खास पहचान होती है कशिंग डिजीज़ की, ठीक है। उसके अलावा क्या कराएंगे, इसके अंदर क्या होता है, सीटीएच करा सकते हैं, रेडियोमिनस टेस्ट करा सकते हैं, सप्रेशन टेस्ट कराएंगे डेक्सामेथासोन का, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें फिर हमें रिड्यूस मिलते हैं, आपको याद रखना। मैनेजमेंट क्या है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा हमने, इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।